किसानों की धान की खरीदारी नहीं होने के कारण रामगढ़ के राजद विधायक सुधाकर सिंह एवं उनके कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार की दोपहर दुर्गावती बाजार से सटे NS2 को जाम कर किया धरना प्रदर्शन। वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान NS2 के दोनों लेन से गुजरने वाली गाड़ियां जहां की तहां रुक गई। धरना प्रदर्शन के दौरान घंटों तक सड़क जाम रहने से मरीज ले जा रहे एम्बुलेंस को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं इस दौरान सफर कर रही छोटी से छोटी गाड़ियां भी जाम में फंसी देखी गई। पूरा बिहार आज धान खरीद नहीं होने से पूरा किसानी ठप पड़ा हुआ है। पूरे बिहार में आप पूरे बिहार में DAP के खाद नहीं होने से बुआई प्रभावित है। गेहूं का कालाबाजारी चरम सीमा पर है। DAP महंगे दर पे बाजार में भी उपलब्ध नहीं होने से पूरा गेहूं का पूरा जो एरिया है बक्सर कैमूर रोहतास से लेकर पूरे बिहार भर में जो किल्लत है, जिसके चलते आज खेती बंद पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार के किसानों की धान की खरीदारी नहीं होने के कारण किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। उसना चावल एवं अरवा चावल को लेकर यह पेच फंसा हुआ है। दूसरी तरफ किसानों का धान अरवा और उसना चावल की राजनीति जो नीतीश कुमार कर रहे हैं कि बिहार में केवल उसना चावल की खरीद होगी, पूरे कैमूर जिला में पूरे रामगढ़ विधानसभा में एक भी उसना मिले नहीं है, तो आखिर इस बिहार के और इस कैमूर के किसानों का धान कौन खरीदेगा? और जब तक धान नहीं बिकेगा तब तक किसानों की घर में शादी नहीं हो पाएगी, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बुजुर्गों का इलाज नहीं हो पाएगा, बाजार से लिए गए कर्ज की भरपाई नहीं हो पाएगा। सरकार का कहना है कि हमें उसना चावल ही चाहिए, जबकि कैमूर में उसना चावल बनाने वाली एक भी राइस मिल नहीं है, जिसको लेकर किसान व्यापार मंडल यानी पैक्स अध्यक्षों की तरफ से किसानों की धान की खरीदारी नहीं की जा रही है। यही इस मांग को लेकर हम लोग आज सरकार को चेतावनी देने के लिए इस NS2 पर आज हम लोग बैठे हुए हैं। सरकार नहीं बात सुनेगी कैमूर के किसानों की तो हम लोग एक हफ्ते बाद पुनः जिला मुख्यालय पर कैमूर के जिला मुख्यालय को घेरने का काम करेंगे। कैमूर न्यूज के लिए दुर्गावती से सोनू कुमार की रिपोर्ट।